और देखते हैं बकरे का मीट और रोटी चावल को सबसे पहले कौन उड़ाता है, कौन जो है 1100 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ बकरे का मीट रोटी चावल का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में मटन चावल और रोटी लगा हुआ है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है मटन चावल और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है, यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बकरे के मीट के साथ मिल गए रोटी और चावल, आज हमारा बकरे का मीट रोटी चावल ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में मोहम्मद हसीन जी और बैठे हैं साथ में फूलचंद फायर जी। तो देखते हैं दोनों चैलेंजरों में कौन फर्स्ट आता है, कौन 1100 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ बकरे के मीट और रोटी चावल का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो महारथी बैठ चुके हैं और दोनों पूरी तरह से एकदम खुश मिजाजी में आज बैठे हुए हैं। कोई क्या कौन सी पीस दिखा रहा है तो कोई क्या दिखा रहा है, तो देर न करते हुए दोनों लोगों के लिए टाइमर को चालू कर दिया जाए भैया और देखना है कि और देखते हैं बकरे का मीट और रोटी चावल को सबसे पहले कौन उड़ाता है, कौन जो है 1100 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ बकरे का मीट रोटी चावल का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से और दोनों ही चैलेंजर बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं। देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस में कितना आगे जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कम्प्लीट करते हैं। बहुत गजब और बहुत ही गजब अंदाज में दोनों लोग भागते नजर आ रहे हैं और जिस हिसाब से चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी इस चैलेंज को पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। और दोनों ही चैलेंजर 7 रोटी और चावल को देखते हैं कितने समय में उड़ाते हैं और गर्दा गर्दा उड़ाने के लिए दोनों चैलेंजर बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं। बहुत गजब, तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं मोहम्मद यासीन और क्या कमाल करते हैं फूलचंद। मोहम्मद यासीन की मशीन तेज चलती है या फिर फूलचंद का एक्सीलेटर, दोनों लोग पूरी तरह से एकदम जुड़ चुके हैं और देखना है कि क्या कमाल होता है इस चैलेंज में, कौन जीतता है, कौन 1100 रुपए लेकर जाता है, कौन केवल मटन चावल और रोटी का आनंद लेकर जाता है। बहुत ही गजब तरीके से दोनों लोग भागते नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, और देखते हैं जो मटन लीवर है और रोटी चावल है उसको कितने समय में उड़ाते हैं। बहुत गजब, और अगर देखा जाए तो रोटी से इस समय फूलचंद बढ़त बनाना चालू कर लिए, लेकिन अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि जब मोहम्मद यासीन की मशीन चालू हो जाती है 60 हाथ पावर वाली तो एकदम बहुत तेज़ी से भागने लगते हैं और वहीं पर फूलचंद अपने आप को पूरी तरह से दर्शाना चाह रहे हैं कि आज का जो इनाम है फूलचंद के नाम लिख उठा है, क्योंकि फूलचंद जी को मटन लीवर के साथ मिला हुआ चुस्ता। हाँ, तो देखना है कि चुस्ते का आनंद उठाते हुए लगे हुए हैं चैलेंज में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से और 5 रोटी 1 मिनट 38 सेकंड के अंदर दोनों ही चैलेंजर उड़ा चुके हैं और देखते हैं 7 रोटी कितने समय में उड़ाते हैं। हमको लग रहा है 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा 7 रोटी उड़ाने में और उसके बाद चावल पे आ जाएंगे दोनों चैलेंजर। बहुत गजब, और ब्रेकर को तोड़ते ही इन लोगों को चावल में ज्यादा समय नहीं लगेगा कम्प्लीट करने में। और सोच रहे हैं कि अगर मटन की पीस को साथ में लेकर चलेंगे तभी जो है हमारी जीत हो सकती है, नहीं तो 100% 1100 रुपए हाथ से चला जाएगा। और इसी हिसाब से फूलचंद तीन के तीनों चीज लेकर चलना चाहते थे लेकिन इस समय रोटी और मीट ही साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मटन के साथ किडनी गुर्दा चुस्ता और काफी आइटम बन चुका है, चैलेंज में आज लग चुका है। बहुत ही गजब अंदाज में दो के दोनों लोगों की बाइट उठ रही है और देखते ही देखते जो रोटी है रोटी पूरी तरह से गायब होती नजर आ रही है और यहाँ पर जिस हिसाब से फूलचंद बाइट ले रहे हैं रोटी की अंतिम बाइट लेते हुए गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। 2 मिनट 40 अभी यासीन जी के पास रोटी है और फूलचंद जी बिल्कुल रोटी को गर्दा गर्दा उड़ा दिया और फायर हुए हैं। देखते हैं आज फूलचंद जी फायर का कितना बात गजब, दोनों लोग पूरी तरह से चावल का बाइट बनाना चालू कर दिए हैं और ये बाइट देखिए क्या कमाल कराती है इन लोगों के लिए। और भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हड्डी वाला पीस है तो उसको साइड कर दीजिए क्योंकि हड्डी में फंस जाएंगे फूलचंद जी। बहुत बढ़िया, और लगे रहिए नो स्टॉप। और फूलचंद जी फायर हुए हैं, देखते हैं उसे अंदाज में बाइट लेना चालू कर दिए मोहम्मद यासीन और जिस हिसाब से मोहम्मद यासीन अपनी मशीन चला रहे हैं उसी हिसाब से फूलचंद को भी चलना चाहिए, लेकिन फूलचंद का जो एक्सीलेटर है नॉन स्टॉप एक्सीलेटर होता है। मटन मिला हुआ है और काफी कम मात्रा में हड्डी वाला पीस आया हुआ है ऐसा लग रहा है, चुस्ता और कलेजी ही ज्यादा है। हाँ, तो जिसे खाने में थोड़ा सा समय भी लगता है और देखते ही देखते इस समय मोहम्मद यासीन अपनी बाइट बहुत तेजी से चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि फूलचंद को आगे जाने नहीं देंगे, 1100 रुपए फूलचंद के हाथ में नहीं जाने देंगे, लेकिन फूलचंद सोच रहे हैं मोहम्मद यासीन भाग लो, देखते हैं कितनी चलती है तुम्हारी मशीन। बहुत बढ़िया, और आज ऐसा लग रहा है कि चुस्ता और जो लीवर है वो फूलचंद जी के लिए काफी सहायक है क्योंकि
इनके दरवाजे नहीं लॉक कर रहा है। बहुत गजब। और बाइट भी बहुत अच्छी तरह से शानदार बना रहे हैं। सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी बाइट बनाएंगे तभी हम जीत पाएंगे। और ये देखिए पूरी तरह से मटन की पीस को मोहम्मद यासीन एकदम समाप्त कर दिए हैं। सोच रहे हैं कि जब ब्रेकर ही नहीं रहेगा तो रुकेंगे कैसे, और उस ब्रेकर को तोड़कर एकदम बहुत तेजी से भागते नजर आ रहे हैं। बाइट बनाना चालू कर दिए हैं चावल की। बोलचंद जी मटन को फटाफट उड़ा लीजिए, उसके बाद चुस्ता और चावल को मिला करके खा लीजिए, और मटन को मिलाएंगे तब फंस जाएंगे, हमको लग रहा है गलती कर दी है। तो चलिए ठीक है, जैसे उनकी इच्छा है वैसे करना चाह रहे हैं, और सोच भी रहे हैं कि अब मोहम्मद यासीन से आगे जाना हमारे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, जो कोशिश करता है वही पार होता है। बहुत गजब। और देखते ही देखते मोहम्मद यासीन एकदम आ गए फुल फॉर्म में, और जो फॉर्म लगाए हैं बहुत अच्छा लगाए हैं। देखते हैं मोहम्मद यासीन जी, हमको लग रहा है कि अब फूलचंद जी पानी पीते रह जाएंगे, अब आगे नहीं जा पाएंगे। बहुत गजब। और चार मिनट यानी अभी पांच मिनट हुआ है, और पूरी तरह से मोहम्मद यासीन एकदम मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। और यहां पर फूलचंद जी समझ गए भैया अब खाना ही है, अब चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं, अब स्पीड लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब टूट गए। गजब। और यहाँ पर थोड़ी देर सुस्ताते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद यासीन, और सोच रहे हैं यासीन जी ऐसे चैलेंजर हैं, कहते हैं कि जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं, वही तरकीब अपनाते हैं यासीन जी, कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब नॉन स्टॉप लगे रहे, और एंड में करीब करीब अभी विनिंग जोन में पहुंच चुके हैं। विनिंग जोन में एकदम पहुंच के समझ चलिए लास्ट बाइट एकदम पूरी तरह से थाली में सजाना चाह रहे हैं, जबकि अभी भी फूलचंद के थाली में लगभग अगर फूलचंद के अनुसार देखा जाए तो कम से कम 5-6 बाइट है, और एक पीस मटन के साथ। तो और जो समय की बात किया जाए तो 6 मिनट पूरा होने वाला है, अभी भी दोनों लोगों के थाली में थोड़ा थोड़ा बाइट है, और लास्ट बाइट के साथ मोहम्मद यासीन एकदम पूरी तरह से चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, और इनाम की जो राशि है उस पर अपना नाम लिखा लिए हैं। तो मोहम्मद यासीन जी आए, हौसला दिखाए, मोहम्मद यासीन जी का धन्यवाद करते हैं। और फूलचंद जी चुस्ते में लग रहा है फंस गए, इस वजह से आगे नहीं जा पाए, तो फूलचंद जी आराम से खा लीजिए, मोहम्मद यासीन जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। बकरे का मीट रोटी चावल ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं, और इस चैलेंज में मोहम्मद यासीन जी विन कर चुके हैं, तो उनके इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दोनों लोग बहुत तेजी से दौड़े मंजिल की ओर, और वास्तव में देखा जाए तो चैलेंज बहुत ही गजब था। फूलचंद भी अपना जो स्टेप था बहुत अच्छी तरह से लेकर चल रहे थे, और सोच रहे थे कि आज हम जीत जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से जीत जाएंगे, लेकिन जब चावल और मीट खाने की बारी आई तो मोहम्मद यासीन से बहुत पीछे होते चले गए फूलचंद, और मोहम्मद यासीन बहुत तेजी से भागते चले और गए, और इस चैलेंज को जीत लिए हैं। जो इनाम की राशि है इनके हाथ में पहुंच चुके, पैसे मिल गया भैया? मिल गया भैया। कितना है? 1100। पूरा है ना? पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फूलचंद जी काफी अच्छी कोशिश किए थे, रोटी में तो काफी बढ़त बना लिए थे, लेकिन चावल में थोड़ा सा फंस गए, कहाँ दिक्कत हुई फूलचंद जी आपको? बढ़िया था, हम तो लगा था कि हम के जीत जाएंगे, लेकिन इतना मतलब गला हुआ था फिर भी फंस गया। आज जब घुस गया तो घुस गया, और हमको लग रहा है जो दर्शक कहते हैं फूलचंद जी को रिटायर किया जाए, तो ऐसा लग रहा है रिटायरमेंट भी आ रहे हैं क्या, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इनके दरवाजे हमेशा लॉक हो जाते हैं और थोड़ा सा फंस जाते हैं। नहीं, रिटायर नहीं करना है, इनके दरवाजे में किल्ली ठोकना है, तो किल्ली को लगा देंगे तो उसमें कुछ फंसेगा नहीं, अभी रिटायर ही नहीं है इनकी, तो थोड़ा सा किल्ली का इंतजाम किया जाए। नहीं, कोशिश करते रहेंगे, कभी भी जीत सकते हैं। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और मोहम्मद यासीन जी आपको कैसा लगाया? बहुत बहुत बढ़िया लगा। आपके दरवाजे में तो किसी फंस नहीं रहा था? दरवाजा भी हमारा सब सही है। तो इसी तरह से आप लोग कोशिश करते रहिए। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, लोगों का धन्यवाद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।